हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वाली वीडियो होने वाली है हमारी टाउन हॉल 13 की सुपर विच अटैक स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अब यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो आर्मी कंपोजिशन में देख लो, हमने यहाँ पे हम करवाने वाले हैं ग्रैंड वार्डन वॉक को, इसीलिए हमने यहाँ पे लिए 4 हीलर्स। बाकी स्केटर सेट को हम लोग क्या करने वाले हैं बेस में कि उसको डिस्ट्रॉय करने वाले, उसके लिए हमने लिए है लाइटिंग स्पेल एंड अर्थक्वेक स्पेल। सीसी में मेनली देख लो आप लोगों को लेके जाना है सीज बैरक्स, रेज स्पेल एंड सारे के सारे हॉक्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब कि सारे के सारे हीरो हमारे मैक्स है, आप लोगों को मैक्स मतलब कि 70 प्लस लेवल के हो गए तो चलेगा। तो बाकी आप यार डायरेक्ट देखते हैं अटैक की कैसे प्लानिंग करके अटैक करना है। तो देखो प्लानिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास लाइटिंग स्पेल एंड अर्थक्वेक स्पेल है, तो हम लोग उससे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सुपर विच को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं वो डिफेंस हो सकता है स्केटर सेट। तो उससे हम लोग क्या करेंगे कि लाइटिंग स्पेल से सबसे पहले हम लोग स्केटर सेट को बेस में डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग लाइटिंग स्पेल से और भी वैल्यू निकाल सके, जैसे उसके पास सिंगल टावर इन्फर्ना हो। अगर वो नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई मेजर उसके आजू बाजू के जो डिफेंसिस होते हैं उसको हम लोग निकालने की ट्राई करेंगे। अगर स्केटर सेट के पास सिंगल टावर इन्फर्ना होता है या फिर मल्टी टावर इन्फर्ना होता है तो हम लोग सबसे पहले वो वाला स्केटर सेट ही डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर बाद में देख लो आप लोगों को क्या करना है कि वो डिस्ट्रॉय होने के बाद आप लोगों को एक ग्रैंड वार्डन छोड़ना है, उसके साथ डायरेक्ट 2 लून छोड़ना है और उसके पीछे सारी की सारी हीलर्स छोड़ने हैं। तो यहाँ पे हम लोग लंबा वॉक नहीं करवाने वाले ग्रैंड वार्डन से, हम लोगों को सिर्फ क्या करना है कि थोड़ा बहुत फनलिंग ही करना है, थोड़ा बहुत क्लियरिंग ही करना है। वो जैसे ही क्लियर होता है हम लोग क्या करेंगे कि सारी की सारी जितने भी हमारे पास आर्मीज बची है, ट्रूप्स बचे, हीरोज बचे, वो सारी की सारी डिप्लॉय कर देंगे एंड जो हमारी लास्ट में बचती है रॉयल चैंपियन उसको हम थोड़ा सा बाद में डिप्लॉय करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग है। फिर उससे बाद क्या होगा कि अगर जैसे ग्रैंड वार्डन का वॉक खत्म होता है एंड सारे के सारे ट्रूप्स आप लोग डिप्लॉय करेंगे तो क्या करोगे, तो क्या होगा कि ये जो एक पैटर्न होती है मतलब कि जो एक ही डायरेक्शन में ट्रूप्स जाएंगे एंड हमारे ट्रूप जो इधर उधर भटकेंगे नहीं तो हमारा इजी यहाँ पे 3-स्टार निकल सकता है। अगर आपके ट्रूप सेपरेट हो जाते हैं तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो ये एक ध्यान रखना। तो चलो डायरेक्ट देख लेते हम लोग पहला अटैक की कैसे हमने अटैक किया था। तो देखो ये वाला बेस था सबसे पहला वाला, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो 6 लाइटिंग थी एंड एक अर्थवेक थी उससे हम लोगों को क्या मिला था, एक स्केटर्स एंड उसी के साथ साथ एक ग्रैंड वार्डन स्टेच्यू था तो वो भी मिल गया था। फिर आप लोगों को क्या करना है, ग्रैंड वार्डन अपना डिप्लॉय करना है, फिर 2 लून छोड़ने हैं, हीलर छोड़ने हैं। लून से क्या होगा कि वो जो डिफेंस टारगेट कर रहे होंगे वार्डन का वो भी नहीं करेंगे, वो डिफेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसी के साथ साथ हमारी हीलर्स को भी वो प्रोटेक्ट करते रहेंगे ताकि ब्लैक से जो माइन निकलती है सिकिंग माइन उसे भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे थोड़ी बहुत फनलिंग के लिए हम लोगों को सारे के सारे ट्रूप्स अंदर की तरफ ले जाने हैं, इसलिए मैंने किंग डिप्लॉय कर दिया था। फिर आप लोगों को विचिस इस तरीके से छोड़नी है ताकि जो आपका जो वार्डन वॉक चल रहा है वो विचिस को फॉलो करे ना कि वो सेपरेट हो जाए। तो आप लोगों को उस तरीके से जैसे मैंने डिप्लॉय किया था विचिस को तो एंड बैरिक्स को, तो आप लोगों को उस तरीके से करना है। फिर देखो यहाँ पे सारे के सारे ट्रूप्स जो सेंटर के अंदर जाने वाले थे तो मैंने रेज डाल दिया प्लस यहाँ पे ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी भी यूज़ कर ली थी तो हमारे सारे के सारे ट्रूप्स भी बच गए जो टाउन हॉल डैमेज देता है उससे भी एंड जो ईगल आर्टिलरी का शॉट का डैमेज होता है उससे भी। फिर यहाँ पे जो आप लोग सीसी के अंदर जो हॉग लेके जाते हो वो भी बहुत यहाँ पे यूज़फुल हो सकते हैं क्योंकि वो एक दो मेजर डिफेंस को डाउन कर ही देगा तो आप लोगों को अटैक भी बहुत ही इजी हो जाएगा लास्ट में। फिर यहाँ पे देखो अभी हमारे कितने सारे ट्रूप्स बचे हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी सुपर विचेस बची है, जो हमने सीज बैरक का पैक का था वो भी जिंदा है। फिर यहाँ पे हमारा किंग जिंदा है, क्वीन जिंदा है, रॉयल चैम्पियन जिंदा है, वार्डन मतलब कि सारे के सारे हीरोज भी हमारे अभी भी लाइव है। तो देखो यहाँ पे अभी कितना 80% निकल चुका है, बहुत ही फास्ट अटैक हुआ है, अभी 1:30 ही हुए तो बहुत ही इजी अटैक है, बहुत ही अच्छा अटैक मतलब कि आप लोगों को इतना मुश्किल भी अटैक नहीं है, बहुत ही इजी अटैक है, आप लोग इजीली इसको लर्न करके अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रॉफी फिशिंग के लिए अगर टाउन 13 से कर रहे हो तो बहुत ही इजी है, वॉर में यूज़ करने वाले हो आप तो भी बहुत ही इजी है। जंप स्पेल भी हमने ली थी ताकि कंपार्टमेंट को हम अगर वॉल ब्रेकर वर्क नहीं करते हैं तो वो काम में आ सके एंड देखो यहाँ पे इजीली निकल आए 3-स्टार। तो अब लोग चलो देख लेते हैं कि सेकंड अटैक में कैसे प्लानिंग करना है। तो देखो सेकंड का या ये पूरा रिंग बेस था तो हम लोगों ने क्या कैसे प्लानिंग किया था कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले ऊपर स्केटर शॉट है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड फिर क्या करेंगे कि नीचे वाला करेंगे
एंड ऊपर के स्केटर शॉट में क्यों हमने टारगेट किया कि उसके साथ सिंगल टावर इन्फर्नो भी था, एंड मुझे लगा कि वो लाइटिंग स्पेल से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके पास ही था एक टाइल को छोड़ के, तो हमने पहले वो वाला डिस्ट्रॉय किया। फिर हमने देखो यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ से अटैक स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ से अगर अटैक स्टार्ट होगा तो हमें देखो कितनी वैल्यू मिल सकती है। सबसे पहले स्केटर शॉट आ जाएगा, फिर अगर सारे के सारे ट्रूप्स बेस के कोर में जाते हैं तो हमें ईगल मिल सकता है, टाउन हॉल मिल सकता है, पूरा अटैक फिर बाद में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं अटैक कि कैसे हमने अटैक किया था। तो देखो ये वाला बेस था, हमने प्लानिंग कर ली थी कि इस तरीके से अटैक करना है। तो पहले लाइटिंग आ गई 6 के 6, फिर हम लोगों ने अर्थक्वेक डाल दी। अर्थक्वेक से क्या हुआ कि टाउन हॉल एक्टिव हो गया, बट कोई नहीं, चलो स्टिल हम लोग जैसे हमने यहाँ पे ग्रैंड वार्डन वॉक स्टार्ट कर दिया एंड जैसे बताया था वैसे ही स्टार्ट करना है ताकि कोई सीकिंग एयर माइन निकले तो वो बलून उसको टारगेट करके टर्मिनेट कर दे। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही वेट करेंगे ताकि ट्रूप भटके ना, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि ग्रैंड वार्डन से 3-4 बिल्डिंग क्लीन होने तक का वेट करेंगे ताकि हम लोग सारे के सारे ट्रूप्स डालें वो एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे ट्रूप जाए, ना कि सेपरेट हो जाए, जो मैंने पहले अटैक में भी बोला था। तो आप लोगों को मेन ध्यान रही रखना है कि ट्रूप्स को सेपरेट नहीं होने देना है। अगर ट्रूप्स सेपरेट नहीं होगे तो मैं 100% बोलता हूँ कि आप लोगों का अटैक जो है वो 3-स्टार आ जाएगा एंड आ ही जाएगा। तो देखो ये नीचे की साइड से हमने किंग डिप्लॉय कर दिया, जैसे ये एयर डिफेंस या फिर गोल्ड माइल जो गोल्ड स्टोरेज है वो ख़त्म होता है तो हम लोग सारे के सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर देंगे। चलो अभी कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे विचिस आ गए एंड मैंने बोला था कि सुपर विचिस को इस तरीके से डिप्लॉय करना है ताकि जो ग्रैंड वार्डन का वॉक है वो सुपर विचिस को भी फॉलो करें, तो एक ही साइड हमारे सारे के सारे ट्रूप्स आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो ट्रूप्स है वो सेपरेट नहीं हो गए। मैंने बोला था कि ये वाला जो डायरेक्शन है सारे के सारे ट्रूप्स उसी डायरेक्शन में जाएंगे, अगर एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेंगे तो आप लोगों को जो स्पेल यूज़ है वो बहुत सारे ट्रूप्स के ऊपर आप लोग बंच ऑफ ट्रूप्स के ऊपर आप लोग यूज़ कर सकते हो, अगर सेपरेट हो गए तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो बहुत ही ईजी तरीके से स्केटर शॉट को नहीं ईगल को एंड टाउन को डाउन कर दिया क्वीन ने। मैंने बोला था कि जो सीसी का ट्रूप्स था वो भी बहुत यूज़फुल था, देखो यहाँ पे स्केटर शॉट को ही डाउन कर दिया एंड ऊपर की तरफ देखो कितना मस्त तरीके से एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे ट्रूप जा रहे हैं एंड बहुत ही इजीली, बहुत ही कम डैमेज लेते हुए बहुत ही इजीली डिफेंस को क्लीनिंग करते करते जा रहे हैं। एंड रेस्ट स्पेल का भी यूज़ आप लोग वही करो कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेजर डिफेंसेस हो साथ में एंड सारे के सारे ट्रूप साथ में ही हो तो आप लोग क्या कर दो कि वहाँ पे रेस्ट स्पेल डाल दो तो बहुत ही वैल्यू एंड ईजिली वैल्यू निकल आ सकती है। यहाँ पे दो जो आर्चर टावर थे वो कंस्ट्रक्शन में थे बट चलो वो भी एक्टिव होते तो भी यहाँ पे निकल आता इजीली 3-स्टार। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट कितनी भाई हमारी 4 सुपर विचिस जिंदा हैं, सारे के सारे हीरोज़ हैं। अभी भी हमारे पास आरसी की एबिलिटी है तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दी आरसी की एबिलिटी, 99% ये निकल आया 100%। तो चलो एक और लास्ट अटैक देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही ईजी हो जाए फिर भी ये आर्मी यूज़ करना। तो ये वाला बेस देखो पूरा कंपार्टमेंट बेस था कि पूरा, मतलब कि जो सुपर विचिस का मतलब कि जो ग्राउंड ट्रूफ आप लोग यूज़ करते हो तो बहुत ही दिक्कत आ सकती है क्योंकि वॉल ब्रेक नहीं होगी तो यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट हो गए तो वो वॉल तोड़ने में टाइम बर्बाद कर देंगे एंड टाइम का दिक्कत आ सकती है। बट मैं यहाँ पे देखा तो आप लोगों को कि कितनी इजीली हमने यहाँ पे 3-स्टार निकाला था वो भी ग्राउंड आर्मी से पूरा का पूरा। तो देखो सबसे पहले हमने स्केटर डिप्लॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर यहाँ पे वार्डन वॉक स्टार्ट कर दिया। जैसे ये 3 डिफेंस ख़त्म होते हैं मल्टी मोर्टार एंड आर्चर टावर, उसके बाद हम लोग सारे के सारे ट्रूप्स हमारे एक ही साथ डिप्लॉय कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो अगर सुपर विचिस आप लोग यूज़ करते हो तो सिंगल टावर इन्फर्नो आप लोगों को बहुत ही दिक्कत दे सकता है तो वो एक ध्यान रख देना। चलो मैंने थोड़ा यहाँ पे जल्दी स्टार्ट कर दिया था एंड यहाँ पे मेरी जो हीलर्स थी वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में थी बट कोई नहीं, चलो फिर भी हम लोग मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को आरसी जो है रॉयल चैम्पियन उसको थोड़ा सा लास्ट छोड़ना है ताकि जो डिफेंस होते हो अगर आपके ट्रूप्स जो वो वाले डिफेंस को टारगेट नहीं करते हो तो आप लोग क्या करो कि जो अपनी आरसी बची हो आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे मैंने एक जंप स्पेल डाल दी थी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मैंने यूज़ की थी ताकि क्या हुआ कि जो अंदर की तरफ जो मेजर डिफेंसेस थे टाउन हॉल था, ईगल आर्टिलरी था, सिंगल टावर इन्फर्नो था एंड स्केटर शॉट था तो मेरे सारे के सारे ट्रूप्स उधर ही जाएँ। अगर वो पहले डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेजर डिफेंसेस तो फिर बाद में अटैक एग्जीक्यूट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बहुत ही कितनी जल्दी जल्दी ये वाला अटैक हुआ एंड यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 70% निकल आया है बहुत ही इजीली एंड अभी देखो हमारी कितनी ऑलमोस्ट 4 या फिर 5, चलो सारी की सारी सुपर विचिस अभी भी जिंदा है हमारी एंड हीरोज़ में देखो हीरोज़ में भी सारी के सारे हीरोज़ जिंदा है।
किंग ऊपर की तरफ क्लीनिंग कर रहा है, बीच के सेंटर में देखो सारे के सारे हीरोज भी है एंड बहुत ही इजीली यहाँ पे अटैक हो चुका है। तो आप लोग बहुत ही इजी आर्मी है ये वाला जो मैं मतलब कि मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि अगर मैं जो फॉलो करता हूँ वो स्टेप आप फॉलो करेगा तो इजी रहेगा। एंड जैसे जैसे आप लोग ये अटैक करोगे तो आप में भी स्किल आती जाएगी एंड मेरे से भी अच्छे तरीके से आप लोग ये वाली आर्मी को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड मेरे से भी अच्छे अच्छे आप लोग अटैक करने लगोगे तो वो इससे भी अच्छी हो सकती है। तो बस ये था आज के लिए पूरा एंड होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड पीस।